दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग संगम के तट पर पहुंच चुके हैं और ये पीपा पुल पर खड़े हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि भीड़ जा रही है संगम स्नान करने के लिए। और आज का स्नान शाही स्नान, लास्ट शाही स्नान होगा और इसके बाद भीड़ तो काफ़ी आती रहेगी, लेकिन साधुओं का आज शायद लास्ट स्नान हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि आज के दिन इनको कैसा लग रहा है। आज का शाही स्नान बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों ने नागू की टोली देखी, जो मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था, और मैंने अखाड़ा पहली बार पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो है कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यही प्रयागराज के ही हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, बहुत मजा आ गया आज। दादाजी आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर देश, पहली बार हम देखे हैं। पहली बार इतना नागा, कितना सब, पहली बार। अच्छा, ये बताइए, प्रयागराज जिस तरह से दिख रहा है खूबसूरत पहले से, इस पर क्या कहना है आपको? अरे तो बहुत खूबसूरत, हर साल से खूबसूरत दिखात बढ़े, इस व्यवस्था बढ़िया है एकदम मोदी योगी के। इस बार का कुंभ मेला जो ये है, अर्ध कुंभ था पहले, लेकिन इसको कुंभ दे दिया गया नाम, तो इस पर क्या कहना है आपका? अब भाई सरकार के आए, कुंभ करे चाहे महाकुंभ करे, वो तो सरकार की बात आए ना। और तो बढ़िया चीज तो आई है, हर साल से व्यवस्था बढ़िया है। आज जनसंख्या का देखा जाए तो कितना जनसंख्या आई होगी आज के दिन? अरे तो वो 2 करोड़ ऊपर हो गया, 2.5 करोड़ कुल मिला के। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इनका कहना है, दर्शकों का कहना है कि 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या आज स्नान करेगी संगम पर। देख सकते हैं विशाल भीड़ जा रही है संगम में स्नान करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे, बढ़िया। प्रयागराज की जय हो, प्रयागराज की जय हो। देख सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है, कितना खुश है। जय जयकार, हर हर महादेव। माता जी लोग हैं, माता जी पूछते हैं कैसा लग रहा है। इधर आ जाइए, इधर। बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ बहुत है। तो जैसा कि देख सकते हैं दर्शकों, माता जी का कहना है, माताओं बहनों का कहना है कि आज के दिन जिस तरह से भीड़ है उनको काफी अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। क्या कहना है आज के दिन आपको? जय श्री राम। दर्शकों को आज क्या कहना, देशवासियों से कुछ? जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी काफ़ी उत्साह और काफ़ी भीड़ देखने को आपको मिल सकती है संगम के तट पर। क्या कहना है आज के दिन आपको? आज बसंत पंचमी का पर्व है जी। हाँ, इस अवसर पे सारी भीड़ उपड़ेगी आज। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ इलाहाबाद का शंकरगढ़ का रहने वाला हूँ। शंकरगढ़ के रहने वाले हैं, तो किस तरह से आपको क्या कहना है आज के दिन? आज पर्व का दिन है जी, बसंत पंचमी। तो अच्छा, दर्शकों माताओं बहनों को जिस तरह से थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा भीड़ में, तो आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी जनता को जो प्रशासन ने कंट्रोल करके जो व्यवस्थित ढंग से निकाला है, निकलने की रास्ता दी, मुझे बहुत खुशी हो रही कि मतलब आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यहीं रह जाए। तो आप देख सकते हैं विशाल भीड़ जा रही है संगम के तट के पास। चलते ही तरफ कवरेज दिखाते हैं आपको। महिला साधुओं का अखाड़ा तैयार हो चुका था और वह निकल पड़ा था संगम के तट की ओर स्नान करने के लिए माँ गंगा के आंचल में। और आप देख सकते हैं कि वह पूरे संख्या के साथ निकल पड़े हैं, और कुछ ही देर बाद पुरुष साधुओं का भी अखाड़ा तैयार हो गया और वह भी बैंड बाजे के साथ नाचते हुए गाते हुए निकल पड़े थे। और आप देख ही रहे होंगे कि उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरह से झूमते हुए नाचते हुए आनंद उठाते हुए पूरा इस लास्ट शाही स्नान का वो जा रहे हैं। दोस्तों आप खुद ही अपने इस समय मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से साधु खुश हैं, थिरकते हुए उनका पांव जा रहा है, क्योंकि आज ये लास्ट शाही स्नान है। आज के बाद इनको बहुत ही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वह 1-2 दिन नहीं, कम से कम सैकड़ों दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर ये कुंभ आएगा। क्योंकि कुंभ हर साल नहीं आता, कुंभ हर साल तो देखा जाए माघ जरूर आता है, लेकिन कुंभ मेला
3 वर्ष में और 6 वर्ष में और 12 वर्ष में महाकुंभ आता है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से साधु लोग बैंड बाजों के साथ, नगाड़ों के साथ निकल पड़े हैं। और कुछ ही देर बाद सभी लोग पहुंच गए संगम के तट की ओर। और आप इस समय देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं बसंत पंचमी पर, किस तरह से लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आप अपने इस समय मोबाइल स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। समस्त महिला साध्वी और समस्त पुरुष साधु, नागा साधु, जितने भी साधु हैं, जितने भी अखाड़े के, अब इस वक्त पहुंच गए हैं और स्नान के लिए स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर किस तरह से खुशी है लोगों के चेहरे पर, आप देख रहे होंगे। और ये इस समय पहुंच चुके हैं और ये कवरेज आप सीधा संगम की ओर का देख रहे हैं, माँ गंगा की ओर का देख रहे हैं। और माँ गंगा की आंचल में किस तरह से लोग डुबकी लगा रहे हैं बसंत पंचमी पर, आप सीधे सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। ये आस्था की डुबकी है और यह आस्था हिंदू धर्म में सबसे बड़ी आस्था मानी जाती है। आप इस समय देख रहे हैं सीधा लाइव कवरेज उस जगह का। और यदि आपको इस तरह के खबरें पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हो सके तो वीडियो को और लोगों को भी शेयर करिए।